कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार की देर रात जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लंबी मुलाकात की। इस मुलाकात में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हुए विवाद सुलझाने को लेकर बात हुई। अभी तक कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता कि सचिन पायलट पार्टी का साथ छोड़े या ऐसी कोई नौबत आए। इसी वजह से दोनों नेताओं के बीच विवाद को सुलझाने के लिए और राज्य में सचिन पायलट को सम्मानजनक स्थान देने की कोशिशें लगातार जारी है। अब आप इस जुमले से समझ सकते हैं कि सचिन पायलट को सीएम पद नहीं बल्कि कोई सम्मानजनक स्थान देकर शांत किया जा सकता है। और अब इसका साफ साफ मतलब यही निकलता है कि राजस्थान में अशोक गहलोत ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीते दिनों पहले केसी गोपाल ने दिल्ली में सचिन पायलट से लंबी बातचीत की और उसके बाद केसी वेणुगोपाल सीएम अशोक गहलोत से मिलने जयपुर पहुंचे। हालांकि आधिकारिक रूप से ये कहा गया कि वेणुगोपाल जयपुर में एक शादी में शरीक होने आए थे, लेकिन यहां पर दोनों के बीच एक घंटे से ज्यादा बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात के अपने अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। यहां पर कांग्रेस नेताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सब ठीक है और दोनों नेता साथ में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने से ठीक पहले आलाकमान अपने दो सबसे मजबूत नेताओं को एकजुट करने के लिए जी तोड़ कोशिशों में लगा हुआ है। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि महत्वाकांक्षा और सरकार में अवसर नहीं दिए जाने को लेकर सचिन पायलट सियासी वनवास भोग रहे हैं। ऐसे में चुनावों से ठीक पहले आलाकमान उनको संतुष्ट करने के लिए कोई महत्वपूर्ण पद देना चाहता है, लेकिन वो गहलोत की भी असुरक्षा को नजरअंदाज नहीं कर रहा है, क्योंकि 2020 में सचिन कथित तौर पर पार्टी से बगावत कर चुके हैं। अब देखना होगा क्या आलाकमान सचिन पायलट को मना पाएंगे या नहीं।